हेलो दे गाइस, दिस इज सौसी फैम मदान एंड योर वारंगल बाइकर। सो आज हम ऑलमोस्ट 21 मंथ्स का रिव्यू करने वाले हैं मेरी होंडा CB350 RS का। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये बाइक में आपको असिस्टेंट स्लिपर क्लच आता है, ट्यूबलेस टायर्स आते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आता है, काफ़ी फीचर्स जो रॉयल एनफील्ड में नहीं आते हैं। सो दिस इज माई होंडा CB350 RS 2022। मैंने लगभग ये दिसंबर में लिया था 2022 में। सो ये 2022 का मॉडल है और जैसा आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा वेदर है यहाँ वारंगल में। एंड चलिए बाइक के बारे में बात करते हैं। सो व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट फ्यू गुड थिंग्स अबाउट दिस बाइक, मैं ऑनेस्टली ये बोल सकता हूँ कि मैंने अब तक ना ऑलमोस्ट 8,800 किलोमीटर्स चलाया बाइक को। हाँ 8,786 किलोमीटर्स जैसा आप देख सकते हैं। सो इन 8,000 किलोमीटर्स में what are the good and bad points of this bike? Well, the first thing is that engine ki to main definitely tarif hi karunga kyunki 350cc mein sabse reliable and smooth and honestly touring friendly engine hai ye bike ka. Although kafi log iske bare mein complain karte hain ki iske gears kafi long hai. Haan, ye long stroke engine hai, gearing kafi long hai, lekin aapko isme na ek fayda ye lagega ki आपको हाईवे में ना अच्छे स्पीड चला पाओगे। आप फोर्थ गियर कॉन्स्टेंटली, आप फोर्थ गियर में यू कैन मेंटेन अ स्पीड ऑफ 80-90 एंड लॉजिकली अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो थर्ड गियर में आप 100 भी चला सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि फ्यूल एफिशिएंसी, जैसा आप देख सकते हैं मेरी बाइक का ना लाइक माइलेज हाईवे पे हमेशा 40 के ऊपर ही आता है जब मैं इको मोड में चलाता हूँ। और कई लोग ये बोलते हैं कि ये फेक माइलेज, जैसा आप देख सकते हैं 39.7 किलोमीटर्स पर लीटर। सो हाँ, इसमें यहाँ पर आप बाइक को जब ज़्यादा ड्रैग करोगे तो जाहिर सी बात है माइलेज थोड़ा कम ही होगा, लेकिन इसका अंदाज़ा हम टैंक से भी लगा सकते हैं। मतलब कई बार मैं 1 लीटर डलाता हूँ और यू नो फिरता हूँ, मतलब 40 में माइलेज टेस्ट करने के लिए चलाता हूँ, तो 40-42 किलोमीटर चलती है हाईवे पे। सो वो मीटर वही रहता है, रेंज भी वही बताता है। तो मैंने एम्प्टी टैंक में तो कभी नहीं चलाया क्योंकि फ्यूल पम्प ख़राब हो जाएगा। उसके साथ साथ ये बाइक की रोड ग्रिप, मैन आप ये बाइक को ट्रैफिक में इट्स जस्ट लाइक अ नाइफ थ्रू बटर, मतलब आप आराम से मनोवर करके चला सकते हो। बाइक का जो है ना ये ब्रेक जो है, फ्रंट ब्रेक एंड रियर ब्रेक्स भी बहुत कॉन्फिडेंट है एंड कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है। एंड पीछे का टायर जैसा आप देख सकते हैं 350 RS का, इट्स वेरी वाइड। सो इसमें आपको बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये मिलेगा कि रोड ग्रिप हाईनेस से अच्छी रोड ग्रिप इसकी है। और जितना मैंने बाइक को चलाया है 8,786 किलोमीटर्स, इसमें मेरे को ये लगा कि बाइक इट्स great in city and on highways. And the other thing is that quality levels. हाँ, यहाँ पर rusting का थोड़ा बहुत issue मेरे को आया था, मतलब मैं आपको वो areas दिखाऊँगा। मैंने उसको paint कर लिया है बाद में यहाँ पर जैसा, but ये almost negligible ही है ये वाला, ये तो अक्सर आएंगे। हाँ यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं थोड़ा rust है, ये कुछ नए bikes को भी आ रहा है, but यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हल्का सा rusting है, लेकिन ऑनेस्टली दूसरे पार्ट्स में रस्टिंग नहीं है। यहाँ पर भी आप जैसा देख सकते हैं थोड़ा सा रस्ट है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस बाइक में कुछ मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है। यू नो वॉबलिंग की जब बात आती है, अक्सर मैनी पीपल हैव कंप्लेन अबाउट द वॉबलिंग। आई पर्सनली बिलीव दैट वॉबलिंग इज़ बिकॉज ऑफ द बैड टायर्स एंड समटाइम्स व्हेन द फोर्क कोन सेट जो होता है ना, स्टीयरिंग सेट, जब वो ख़राब हो जाएगा तो भी वॉबलिंग आ सकती है। मेरी बाइक में तो वॉबलिंग इशू लिटरली है। If I'm not prejudiced against Honda, I must confess, I must admit it, कि 90 and 100 के बीच में अगर मैं हैंडल छोड़ूंगा तो बाइक हल्की वॉबल करती है। सो ये प्रॉब्लम काफ़ी हाईनेस में है, लेकिन इट्स नॉट एज सीरियस एज पीपल थिंक कि अगर हैंडल पकड़ के चला रहे तो भी वॉबलिंग हुई, ऐसा तो नहीं है। ओके एंड उसके साथ साथ पेंट क्वालिटी जो मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा होंडा इम्प्रूव कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट राइडिंग कम्फर्ट की जब हम बात करेंगे तो राइडिंग कम्फर्ट ये बाइक का काफ़ी अच्छा है। हाँ आई मस्ट एडमिट कि कई लोग को ना होंडा CB350 RS, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द CB350 हाईनेस, मैं RS की बात कर रहा हूँ, इसके फुटपैक्स थोड़े रियर सेट हैं जिसकी वजह से अक्सर लोगों को यूज़ टू होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग बोलते हैं कि होंडा 350 थोड़ी अनकम्फर्टेबल है, और ये मैं मानता हूँ। शुरुआत में जब मैंने बाइक ख़रीदी थी तो मेरे को भी काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रही थी लॉन्ग राइड्स पे, बट इवेंचुअली आई गॉट यूज टू इट। सो मेरे को आदत सी हो गई है, अगर मैं बाइक को 350-400 किलोमीटर्स भी अगर चलाता हूँ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसके साथ साथ सस्पेंशन बहुत
बहुत बहुत बढ़िया सस्पेंशन है। मतलब अगर आप बड़े गढ़ों में से भी चलाएंगे तो इसका मतलब अब्जॉर्प्शन रेट काफ़ी अच्छा है, पॉट होल्स में द बाइक इज़ गुड एंड फ्रंट सस्पेंशन भी डिसेंट है। हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस की जब बात आती है, सो आई थिंक इट्स 165 और 168 mm, सो 170 के अंदर ही है। तो अगर आप ऑफ रोडिंग करेंगे तो आपको नीचे थोड़ा लग सकता है, मतलब वो प्लेट है एंड वो रॉड है जो मैंने एक्स्ट्रा लगवाए थे उसमें अक्सर प्रॉब्लम हो सकता है। तो दिस बाइक इज़ नॉट मेंट फॉर हार्डकोर ऑफ रोडिंग, बट फॉर टूरिंग या इट इज़ एन इम्पेकेबल मोटरसाइकिल। एंड हेडलाइट का फोकस, हाँ अब थोड़े हम नेगेटिव्स भी बात करेंगे बाइक के। हेडलाइट का फोकस जो है फ्रंट, इट कैन बी इम्प्रूव्ड। यू नो काफ़ी बार मैं देखता हूँ, मेरे पास रॉयल एनफील्ड 1989 मॉडल भी है, उसका हेडलैम्प थ्रो ये बाइक से अच्छा है ऑनेस्टली। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप होंडा बिग विंग से ले रहे हो तो यू कैन जस्ट गेट दी एक्स्ट्रा लैम्प्स इंस्टॉल जो कि CB350 को आते हैं, राइट। एंड ये बाइक यू नो ऑन दी होल, इसका और एक नेगेटिव पॉइंट मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्चुअली ये लाइक काइंड ऑफ स्क्रैम्बलर है, काइंड ऑफ स्क्रैम्बलर, कैफे रेसर भी नहीं है। तो हो सकता है कि आपको पीछे सपोर्ट ना देखने को मिले, तो आप ऐसे एक रेल इंस्टॉल करा सकते हो विच इज़ डेफिनेटली गन बी हेल्पफुल, ऑल राइट। एंड हाँ, मैं एक प्लस पॉइंट बोलना भूल गया था, इनफैक्ट दो प्लस पॉइंट्स। इसकी टैंक 15 लीटर की टैंक है, सो आपको जब भी आप ये बाइक हाईवेज पर लेकर जाते हो तो आपको माइलेज भी अच्छा है एंड टैंक भी बढ़िया, तो आपको रिफ़िल कराने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड नया मॉडल जो है ये मेरी 2022 है, तो इसको लाइक क्रोम की हैंडल आई है और ये बेटर क्वालिटी की है। नए मॉडल्स के जो बाइक्स आ रहे हैं, मतलब होंडा CB350 RS, उन लोग को कुछ अलग सिल्वर कोटेड हैंडल आ रही है, वो उतनी खास नहीं दिखी मेरे को। एंड इसको वॉइस कंट्रोल, मतलब ये स्मार्टफोन कनेक्टिविटी फीचर मेरे बाइक को नहीं था, अभी जो RS आ रही है उसको है। सो अगर हम बात करेंगे क्रैश गार्ड की तो इट्स ऑफ गुड क्वालिटी। यू नो जब भी आप कहीं जाते हो अगर कुछ क्रैश होगा तो यू नो काफ़ी रोबस्ट क्वालिटी का है। सो हाँ, और एक चीज़ ये बाइक के बारे में ये है कि मिरर्स दे आर नॉट एज गुड एज एक्सपेक्टेड। मतलब कई बार जब मैं रोड पर जाता हूँ तो आई फील दी व्यूइंग एंगल इज़ नॉट सो गुड। मतलब आपको जितना आप देखना चाह रहे हो यू नो एंगल तो ठीक है, लेकिन आपको पीछे जो है वो चीज़ें दिखते नहीं है सही तरीके से। सो इट्स बेटर इफ़ यू इंस्टॉल अ बेटर मिरर, जस्ट लाइक एवेंजर के जो आते हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। सो दैट्स इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। एंड आपको जो जो भी बाइक्स आप होंडा के ले रहे हो, आपको ये याद रखना है कि मेंटेनेंस थोड़ा ऑन द एक्सपेंसिव साइड है। यू नो लाइक इसके ब्रेक पैड्स 1000 रुपये हैं एंड सर्विस कॉस्ट, पेड सर्विस कॉस्ट अराउंड 1300 to 1500 होएगा। बाकी के बेसिक जैसा एयर फिल्टर है, ऑयल फिल्टर है, वो काफ़ी सस्ते हैं। बल्कि मेरी डोमिनार से इसका एयर फिल्टर सस्ता है, यू नो उसका अराउंड 260 था, ये कुछ 180 या 170 है। एंड ब्रेक पैड्स की जब बात आती है तो मेरे को थोड़ा ये लगा कि दीज ब्रेक पैड्स, आई मीन द ब्रेक पैड्स ऑफ होंडा RS एंड हाइनेस, दे वेयर आउट comparatively quicker compared to the other motorcycles of other brands. So keeping these things in mind, should I go for this bike? Well, honestly speaking, if you're willing to get a very reliable bike which can be used for at least 10 to 12 years, and if you have a big wing showroom near your residence or city, you can definitely go with this motorcycle. Kyunki kafi reliable bike hai Honda ki, and it's a perfect balance of power, fuel economy, style and performance. So if you have any questions, feel free to comment down below. And just आप देख सकते हैं ये काफ़ी बारिश पड़ने वाली है, फिलहाल तो यहीं पर लाइक थोड़ा ड्रिजल हो रहा है, आगे बारिश पड़ेंगी। सो मैं घर को वारंगल वापस जाऊँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, राइड सेफ, गॉड ब्लेस एंड टेक केयर, गुड बाई।